हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट टुडे एक्सरसाइज 11.2 नंबर 1 क्वेश्चन। आपका दिया हुआ है कि दर्शाइए कि दी कोसाइन 12/13 दिया हुआ है, -3/13 -4/13। इसको हम लोग नाम दे दिए हैं ए बी रेखा। फिर दे दिया है इतना दिया है और फिर इतना दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है। हम लोग को सिद्ध करना है कि जो तीनों रेखा है ए बी सी डी और ई एफ, ये परस्पर क्या है, लंबवत रेखाएं हैं। तो अब हम लोग लंबवत रेखाएं के लिए पढ़ चुके हैं कि जैसे ए बी रेखा है, मान लीजिए इसका दी कोसाइन L1 M1 N1 और सी डी का यदि L2 M2 N2 दी कोसाइन है, तो दोनों को ए बी लंब सी डी होने के लिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 होना चाहिए। और उसी प्रकार से यदि दिक अनुपात भी दिया हो तो ए बी का दिक अनुपात A1 B1 C1 है और सी डी का दिक अनुपात A2 B2 C2 है, तो ए बी लंब सी डी होने के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास दिक कोसाइन दिया हुआ है, तो दिक कोसाइन के अनुसार बनाएंगे। तो अब यहाँ ध्यान देंगे कि ए बी लंब सी डी होने के लिए, सी डी होने के लिए यहाँ हमारे पास यदि पहला है तो इसको ले रहे हैं L1 M1 N1 और ये दूसरा है तो इसको ले रहे हैं L2 M2 N2। ए बी लंब सी डी होने के लिए इस फॉर्मूले के आधार पर क्या लिखेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको इतना बराबर 0 लाना है, तो ये क्या करेंगे कि फ्रॉम LHS L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू L1 L2 का मान देख लिया जाए, तो L1 का मान 12/13 है गुण L2 का मान, यहाँ पर देखिए L2 का मान 4/13। इसी तरह से हम मान देखते हुए अपना मान लिखते जाएंगे, M1 का मान -3/13 गुने M2 का मान 12/13 प्लस N1 का मान, देखिए यहाँ पर N1 का मान -4/13 और N2 का मान 3/13। अब इसी को हल कर लेंगे हम लोग, बचो 48/13 13 169 होता है, प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, 300 और 12 गुना कीजिए 36/169 प्लस है, सॉरी प्लस माइनस माइनस 12 हो गया, 13 13 169 हो गया। इस तरह से हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे 169। इस तरह से 48 36 -12 आ गया, 48 माइनस 36 माइनस 12 माइनस 47 हो गया, 169 48 में से 48 गया 0 0/169 यानी कि 0 बराबर RHS आ गया। इस तरह से इसलिए क्या हो गया, ए बी लंब सीडी हो गया। इसी प्रकार से हम लोग बारी बारी से चेक करते जाएंगे। अब हम लोग सीडी लंब ईएफ चेक करेंगे। सीडी लंब ईएफ के लिए क्या होगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिए इस फॉर्मूला पर। यहाँ पर L1 M1 N1 L2 M2 N2 था, तो हम लोगों ने लिखा था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जब सीडी लंब ईएफ के लिए काम करना है, यह L2 M2 N2 है, तो इसके लिए क्या करना होगा, L3 M3 N3। अब इन दोनों पर फॉर्मूला क्या लिखाएगा, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वही काम कर देना है, फ्रॉम LHS L2 L3 M2 M3 प्लस N2 N3 बराबर, अब मान रखते जा रहे हैं 4/13 L2 का मान है और L3 का मान कितना है, 3/13। आप यहाँ से मान देखते हुए रखते जाएंगे, 4/13 × 3/13 प्लस 12/13 × -4/13 प्लस 3/13 × 12/13। अब हल कर जाएंगे, 12/169 प्लस माइनस माइनस बच्चे 48/169 प्लस 36 हो गया, 3 से 12 से
बट्टा में 169। इस तरह से इसका एलसीएम लीजिए, 169 12 माइनस 48 प्लस 36, 12 और 36 48, 48 घटा 48 बट्टा में 169, 48 में 0, 0 बट्टा में 169 यानी कि 0 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग अब क्या करेंगे, ये 0 आ गया यानी कि आरएचएस आ गया आपका, सो क्या होगा सी डी लम ईएफ। अब अगला काम करना है हम लोग को कि ए बी लम्ब ईएफ होने के लिए, अब ए बी लम्ब ईएफ होने के लिए जैसे हम लोग यहां पर ए बी और सी डी के लिख रहे थे कि एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इक्वल टू 0, उसी प्रकार से ए बी और ई एफ के लिए क्या लिखा जाएगा, एल वन एल थ्री प्लस एम वन एम थ्री प्लस एन वन एन थ्री इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख लेंगे एल वन एल थ्री प्लस एम वन एम थ्री प्लस एन वन एन थ्री इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से फ्रॉम एल एच एस ले लेंगे एल वन एल थ्री प्लस एम वन एम थ्री प्लस एन वन एन थ्री, अब मान रखते जाएंगे एल वन एल थ्री, एल वन का मान 12 बटा में 13, एल थ्री का मान यहाँ देखा जाए 3/13 प्लस एम वन का मान -3/13, एम थ्री का मान यहाँ पर देखा जाए -4/13 प्लस एन वन का मान यहाँ पर -4/13 और एन थ्री का मान 12/13। इसको हल किया जाए 36/169 माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस है प्लस हो जाएगा 12/169 प्लस माइनस माइनस 4 से 12 से गुणा कीजिए 48/169। अब इसका एलसीएम ले लीजिए 169 हो गया 36/12 -48, इस तरह से 48 - 48/169। और इसके बाद में 48 किया 0/169 यानी 0/169 बराबर 0 बराबर आर एच एस हमारा आ गया ये वाला, इसलिए क्या होगा ए बी लम्ब ई एफ। अब हम लोग अभी फिलहाल बनाए थे तीनों आ गया, हम लोगों ने बनाया था कि ए बी लम्ब ई एफ, सॉरी ए बी लम्ब सी डी, फिर सिद्ध किया था हम लोगों ने सी डी लम्ब, सी डी लम्ब ई एफ, और अभी हम लोगों ने बना लिया कि ए बी लम्ब ई एफ और ए बी लम्ब ई एफ। जब तीनों दिखाई दे रहा है एक दूसरे पर क्या है लंबा दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे जो हमारे सवाल में कह रहा था कि दर्शाइए कि दिक कोसाइन इतना इतना और इतना वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है, तब हम लोग यहां लिखेंगे दिक कोसाइन 12/13 कॉमा -3/13 कॉमा -4/13 सेमीकोलन 4/13 कॉमा 12/13 कॉमा 3/13 सेमीकोलन 3/13 कॉमा -4/13 कॉमा 12/13 वाली तीन रेखाएं वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत है, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूफ सिद्ध हो गया। दो नंबर सवाल पर ध्यान देंगे हम लोग, हाँ बुक ऑफ दो नंबर सवाल में दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु 1, -1, 2 ये हो गया आपका ए मान लिया गया, 3, -4, -2 बी मान लिए, से होकर जाने वाली रेखा, तो ये रेखा बन गया। फिर आगे बढ़िए बिंदुओं 0, 3, 2 0, 3, 2 इसको हम सी ले लिए, फिर कह रहा है कि और 3, 5, 6 इसको डी नाम दे दिए, से जाने वाली रेखा पर लंब है,
हम लोग को सिद्ध करना है कि वो लंब है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले ए बी का दिक अनुपात निकाल लेंगे। तो ए बी का दिक अनुपात फॉर्मूला पढ़ लिए थे हम लोग कि एक्स टू माइनस एक्स वन कॉमा वाई टू माइनस वाई वन कॉमा जेड टू माइनस जेड वन। एक्स टू का मान यहाँ देखिए यह एक्स वन वाई वन जेड वन ये हो गया एक्स टू वाई टू जेड टू। मान डाल देंगे हम लोग थ्री। एक्स वन का मान यहाँ पर वन है, वाई टू का मान फोर, माइनस वाई वन का मान माइनस वन, फिर जेड टू का मान माइनस टू, माइनस जेड वन का मान टू। इस तरह से ये टू हो गया, ये माइनस प्लस फोर प्लस वन यानी कि फाइव, और ये हो गया माइनस फोर। सी डी का अधिक अनुपात इस तरह से निकालेंगे, फॉर्मूला यही सेम रहेगा, डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। थ्री माइनस जीरो कॉमा फाइव माइनस थ्री कॉमा सिक्स माइनस टू। इस तरह से ये थ्री हो गया, ये आपका टू हो गया और ये फोर हो गया। अब हम लोग पढ़े थे कि दिक अनुपात को हम लोग पहले एक्स वाई जेड मानते थे। अब ग्यारह पार्ट में हम लोग क्या किए कि हमने बताया था कि ए बी सी मान लीजिए, लेकिन अब दो गो है इसको क्या कहेंगे, ए वन इसको क्या कहेंगे, बी वन इसको सी वन, इसको क्या बोलेंगे, ए टू बी टू सी टू। अब दोनों एक दूसरे पर लंब है, ये रेखा बोल रहा है कि ए बी और सी डी लंब सिद्ध करना है। तो हमें मालूम है कि ए बी लंब सी डी होने के लिए क्या चाहिए। तो कल हम इसके पहले सवाल में पढ़ लिए थे इस पाठ में कि ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम एल एच एस। ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू। ए वन का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे टू, ऐसे ही वैल्यू रखते जाएंगे थ्री प्लस बी वन का वैल्यू फाइव, बी टू का वैल्यू टू प्लस सी वन का वैल्यू माइनस फोर, सी टू का वैल्यू फोर, सिक्स प्लस टेन माइनस सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू आर एच एस। सो ए बी लम सी डी यही करना था प्रूफ्ड। तीन नंबर क्वेश्चन, अब हम तीन पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु चार कमा सात कमा आठ, इसको हम ए मान लिए, कमा दो कमा तीन कमा चार इसको हम बी मान लिए, से होकर जाने वाली रेखा, इसका वो रेखा बन गया है। अभी आगे बढ़िए, बिंदुओं माइनस एक कमा माइनस दो कमा एक, माइनस एक कमा माइनस दो कमा एक इसको सी मान लिया गया है, कमा एक कमा दो कमा पाँच इसको हम डी मान लिए हैं, से जाने वाली रेखा के समांतर है, यानी से सी डी एक रेखा बना। तो कह रहा है कि यह क्या है, समांतर है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि यह हमारा यह एक्स वन वाई वन जेड वन, यह क्या हो गया एक्स टू वाई टू जेड टू। पहले हम लोग दिक अनुपात निकाल लेते हैं, ए बी का दिक अनुपात बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए थे पहला सवाल में भी दूसरा सवाल में भी। तो इस तरह से एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। अब यहाँ से मान रख दिया जाए टू माइनस फोर, थ्री माइनस सेवन, फोर माइनस एट, माइनस टू माइनस फोर माइनस फोर, ये हमारा ए वन बी वन और ये हो गया सी वन। अब आइए सी डी का अधिक अनुपात, फॉर्मूला यही सेम रहेगा, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। मान रखा जाए वन माइनस माइनस वन, टू माइनस माइनस टू, फाइव माइनस वन, वन ये माइनस प्लस हो गया यानी कि टू, ये प्लस हो गया तो फोर और ये भी फोर। अब ये दिक अनुपात क्या हो जाएगा, ए टू बी टू सी टू। अब हम लोग को यदि इसको समझ लिया थोड़ा कि ए बी का दिक अनुपात ए वन बी वन सी वन, सी डी का दिक अनुपात ए टू बी टू सी टू हो, तो दोनों रेखा को समांतर होने के लिए, ए बी समांतर सी डी होने के लिए ए वन बटा ए टू बराबर बी वन बटा बी टू बराबर सी वन बटा सी टू होना चाहिए। तो आइए हम लोग यहाँ बारी बारी से काम कर ले। मालूम तो हो ही गया है कि ए बी पैरेलल सी डी होने के लिए
हमें क्या चाहिए, ए वन बट्टा ए टू बराबर बी वन बट्टा बी टू बराबर सी वन बाई सी टू। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से निकालते जाएंगे। पहले ए वन बाई ए टू निकाल रहे हैं, ए वन का वैल्यू माइनस टू और ए टू का वैल्यू टू, हल करने पर माइनस वन। बी वन बाई बी टू निकाला जाए, बी वन का वैल्यू माइनस फोर और बी टू का वैल्यू फोर, हल करने पर माइनस वन। सी वन बाई सी टू, सी वन का वैल्यू माइनस फोर, सी टू का वैल्यू फोर, हल करने पर माइनस वन। हम लोगों ने देख लिया कि तीनों ए वन बटा ए टू का मान माइनस वन, बी वन बटा बी टू का मान माइनस वन, सी वन बटा सी टू का मान माइनस वन। यानी कहने का मतलब है, सिंस चूंकि ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जब तीनों बराबर होगा तो यही पैरेलल सीडी होगा। तो तीनों बराबर यहाँ आ चुका है, इसलिए ए बी पैरेलल सीडी, ये निश्चित करना था।